इंदौर के सबसे पुराने इलाकों की प्यास बुझा रहे यशवंत सागर तालाब पर तेजी से संकट मंडराना शुरू हो गया है, क्योंकि तालाब का पानी तेजी से घट रहा है। यही स्थिति शहर के अन्य तालाबों की बनी हुई है, जहां भूजल स्तर तेजी से नीचे पहुंच गया। निगम के द्वारा तालाबों के संरक्षण के जो दावे किए गए थे, वो हवा हवाई दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यशवंत सागर से रोजाना 30 MLD पानी इंदौर को मिलता है, जिसमें पश्चिम क्षेत्र की बड़ी आबादी की प्यास बुझाई जाती है। निगम के अधिकारी लगातार पानी को लेकर रोजाना निर्देश जारी कर रहे हैं, जिससे कि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। नर्मदा और तालाबों के गिरते जलस्तर से आम आदमी को चिंता हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों का अभी भी यह दावा है कि शहर में जल संकट नहीं होने दिया जाएगा। गर्मी के अंदर जो तालाबों का पानी है वो हमारा लेवल कम हुआ है, निश्चित कम हुआ है। हमारे यशवंत सागर पे जो अभी हमारा 8 फीट 7 इंच पानी हैगा, वो भी लगभग अभी हमको मई महीने में हमारा पानी पूरेगा। और उसके बाद जो बिलावली तालाब है उसमें भी पानी कम हुआ है, छोटा बिलावली हमारा सूख चुका हैगा। निश्चित है कि इन क्षेत्रों में पानी की बड़ी किल्लत हैगी, और इन क्षेत्रों में हमने प्राइवेट टैंकर लगाकर जो जल आपूर्ति हम करा रहे हैं हमारे हाइडेंटों की, लेकिन अच्छी स्थिति है कि जो हमने कुएं जो इप्को के माध्यम से हमने कुओं को सफाई अभियान में लिया था, उन कुओं और बावड़ियों में हमको पानी की बड़ी आवक मिल रही है, और उन कुओं से हम पानी ले रहेंगे और लोगों की आपूर्ति हम कर रहे हैं।